Hello students, welcome back to Simply Teacher Classes. As we have started our new series for MCOM students of Management Accounting, in which we have covered half of the first unit part. In today's video, we will cover the next half part of first unit, in which we will cover the scope of management accounting, the advantages and limitation of management accounting, the difference between financial accounting, cost accounting and management accounting. With this, we will also cover the meaning of management accounting. So let's move to the topic. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, पर्पस क्या है या फिर यूजेस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. तो चलिए पढ़ते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज द प्रॉम्प्ट एंड गुड डिसीजन. मतलब सिंपल सी चीज़ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में. जैसा हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, बहुत क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा करते हैं और उसका यूज़ करते हैं कि उसे हम समराइज़ करके उसमें से इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन निकालते हैं ताकि बिजनेस से रिलेटेड डिसीज़न लिए जा सकें. तो गुड डिसीज़न लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है. अब वो गुड डिसीज़न किस तरह के होंगे, जैसे कि ऐसे डिसीज़न जो कि बेस्ड होंगे करेक्ट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन के ऊपर, जो कि इन ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे सही डायरेक्शन में मूव करने में. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जैसा कि हमें पता है कि हम अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से यूज़ किया जाता है ताकि मैनेजमेंट उसे अपने अकॉर्डिंग जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं उनका यूज़ करने के लिए यूज़ कर पाए. सेकेंड पॉइंट इज़ इंक्रीज इन प्रॉफिट. देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिक्वायर्ड डाटा लिया जाता है, उसे एनालाइज़ किया जाता है, फिर इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है, जो किस चीज़ में हेल्प करता है प्रॉपर प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में, ठीक है. तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा कलेक्ट कर रहा है उस डेटा का यूज़ किया जाता है प्रॉपर प्लानिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है, और डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट मेकिंग, उसे अचीव किया जा सके. नेक्स्ट पॉइंट की साइड बढ़े तो नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजिशन. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू क्या पता चलता है, हेल्प करता है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने में, जैसे कि साउंड कैपिटल बेस क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रिजर्व और सरप्लस को कैसे यूज़ किया जाएगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर करते हैं. उसके बाद आता है कॉस्ट कंट्रोल. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होना डिपेंड करता है किस चीज़ पर, कि वो कितना कॉस्ट कंट्रोल कर पा रहा है, किस एक्सटेंट तक कंट्रोल कर पा रहा है. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर टाइमली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि कौन कौन से रिलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन कौन सी वेस्टफुल और इररिलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं. जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें कंट्रोल, उन्हें एलिमिनेट किया जाता है और वेस्टेज को कम करने की कोशिश की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये हेल्प करता है कि हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस या सर्विस का प्राइस कितना रखना है. उसके लिए क्या करता है, जनरली हमें पता है कि जो हमारे कॉस्ट के फैक्टर होते हैं, हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, एक मटेरियल होता है, एक लेबर होता है, एक एक्सपेंसेस होती है, इन तीनों चीज़ों से मिलकर हमारी क्या बनती है, टोटल कॉस्ट. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कि हम अपना कितना सेलिंग प्राइस रखें, मतलब कम से कम अपना जो सेलिंग प्राइस फिक्स करेंगे अपने प्रोडक्ट का, कम से कम इतना रखेंगे कि जिससे हम अपना कम से कम वेरिएबल एक्सपेंडिचर, मार्जिनल कॉस्ट तो कवर कर पाए. तो एक कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस फिक्स करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करेगा. नेक्स्ट, मोर रिवेन्यू जनरेशन. ऑब्वियस है कि अभी हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा कि कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, दूसरा कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है. तो ये दो पॉइंट्स पर इस तरीके से काम किया जाएगा ताकि जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर पाए. उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन. कॉस्ट कंट्रोल हेल्प करेगा मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल द
देखिए, हम मैंने कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या है कि फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो हेल्प करती है आगे ये देखने में कि क्या बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सकता है विद द चेंज ऑफ द टाइम, क्या टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज किया जा सकता है, क्या उसके अंदर रिसर्च और इनोवेशन डालकर अपने प्रोडक्ट को इनोवेटिव बनाया जा सकता है या फिर नहीं। तो यहाँ भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प कर रही है एक्सपेंशन में और मॉडर्नाइजेशन में। उसके बाद देखें मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए, जब बिजनेस को एक्सपेंड किया जाएगा या मॉडर्नाइज किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन में। और जब ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी कंट्री के लिए। उसके बाद देखिए, हेल्प इन रिमूविंग पॉवर्टी। देखिए, इसी पॉइंट से लिंक था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, एम्प्लॉयमेंट का रिजल्ट क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी मतलब पॉवर्टी कम होगी। नेक्स्ट, वो भी नेक्स्ट पॉइंट भी इससे जुड़ा हुआ है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखिए, जब इनकम बढ़ रही है बंदे की, तो इनकम बढ़ने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, क्वालिटी ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। उसके बाद देखिए पॉइंट, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम जनरेट होती है, इनकम जनरेट होने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है वहाँ रहने वाले लोगों का, तो उससे पूरी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जीडीपी भी इंक्रीज होती है क्योंकि डिमांड इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब पैसा जनरेट होना शुरू होगा तो डिमांड भी जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होगी जो रिसोर्सेज हैं उनका बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन भी किया जा सकेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एक काम को और बेटर तरीके से करने के लिए कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं जिससे काम को और एफिशिएंट किया जाए। ये भी हमें क्या होगा कि अगर हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है तो हमें नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। एनहांस्ड गुडविल। देखिए, गुडविल किसी भी कंपनी का बढ़ना किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम कैसा है, उसकी ब्रांड नेम क्या है, उसकी वो फेमस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, और वो चीज़ डिपेंड किस चीज़ पर बढ़ती करती है, अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो और कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत साउंड हो। तो ये जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का साउंड होना और कंपनी का प्रॉफिट कमाना, ये क्या करता है, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। आगे देखें, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब देखिए, कंज्यूमर ज़्यादा सेटिस्फाई कब फील करेगा, जब वो अपना जितना प्राइस दे रहा है उसके बदले उसे उससे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो जो आजकल की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करती है, अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, जो रिपोर्टिंग का काम होता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे समराइज़ करके उसे टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाया जाता है। सिमिलरली, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीज़न लेता है और उसे फिर से कम्युनिकेट करता है हमारा जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उस तक। तो यहाँ पर एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, वही लोअर लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेटर कम्युनिकेशन। विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट से रिसीव होती है, मैनेजमेंट क्या कर सकती है, सही तरीके से डिसीज़न ले पाती है। ठीक है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपना बेटर वे से काम कर सके, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कमियां हैं और उन्हें दूर करने पर काम किया जा सके, इस तरीके के डिसीज़न लिए जा सकते हैं जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में होते हैं। ठीक है, ये था हमारे कुछ एडवांटेजेस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। स्कोप क्या बताता है हमें किसी भी चीज़ का, वो एरिया, वो जो जिस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ का भी हम स्कोप पढ़ रहे हैं उसको कवर करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट
जो हो गया या मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया वो कौन कौन सा एरिया कवर कर रही है, अब हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है आपको पता है, एक प्रोसेस होती है आइडेंटिफाई करने की, रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज़ करने की, एनालाइज करने की, इंटरप्रेट करने की फाइनेंशियल रिजल्ट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम आर्ट और साइंस भी बोलते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा। और ये जो इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी स्टेटमेंट्स बनती हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, ताकि स्टेक होल्डर्स इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सही डिसीज़न ले पाए। तो जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को सही एनालिसिस के लिए, डिसीज़न मेकिंग के लिए, वो कहाँ से मिलेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर गुड या सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स की सहायता से, और ये हेल्प करता है एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करने में और साथ में उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने में। यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे कि बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एट्सेट्रा। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कॉस्ट अकाउंटिंग से जब भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ज़रूरत हो, ताकि ये पता चल सके कि रेलेवेंट एक्टिविटीज़ कौन सी हैं और ऐसी रेलेवेंट एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जिसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा हो रहा है, ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ बजट बनाया जाता है अलग अलग स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए, और वहाँ पर फ्यूचर के एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू को फोरकास्ट किया जाता है, एस्टीमेट किया जाता है फ्यूचर में कितना खर्चा आएगा और कितना रिवेन्यू आएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है कि बजटिंग और फोरकास्टिंग टेक्निक की सहायता से देखता है कि आने वाले टाइम में अलग अलग डिपार्टमेंट को कितना खर्चा हो सकता है और कितना रिवेन्यू जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। जनरली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है एक सिस्टम है जिसके अंदर रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, उस डाटा के बेस पर जो कलेक्ट किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से, और उस इंफॉर्मेशन को टॉप लेवल मैनेजमेंट को भेजा जाता है ताकि टॉप लेवल मैनेजमेंट सही डिसीज़न ले सके उन रिपोर्ट्स के बेस पर। नेक्स्ट इज़ टैक्स अकाउंटिंग। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टैक्स लायबिलिटी बनती है जिसे कि कैलकुलेट करना होता है, प्लान करना होता है और टाइम टू टाइम पे करना होता है। जो टैक्स लॉस हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, हमें पता है, क्योंकि उसका चेंज गवर्नमेंट करती है। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, इंफॉर्मेशन डेराइव करता है टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम से, ठीक है, ताकि टाइम पर सही डिसीज़न लिया जा सके और टैक्स प्लानिंग और कंट्रोल किया जा सके। आगे हम बात करें नेक्स्ट जो स्कोप का पॉइंट है, डैट इज़ एचआर अकाउंटिंग। एचआर अकाउंटिंग इज़ आल्सो अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर एक एम्प्लॉय जब कंपनी के अंदर आता है और जब वो कंपनी से एग्जिट करता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि जैसे एक एम्प्लॉय को हायर करने पर कितना खर्चा हुआ, उसके बाद उसे के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर कितना खर्चा हुआ, उसकी ग्रोथ पर कितना खर्चा हुआ, एग्जिट के टाइम पर क्या है। तो एक तरह से जितने भी एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है एचआर अकाउंटिंग के अंदर, और ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को बेटर तरीके से अपना ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करवाने में। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब जब डाटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, तो उन्हें अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करके, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड एट्सेट्रा, उसे क्या किया जाता है, किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है, और जो रिज़ल्ट मिलते हैं उन्हें बाद में दिखाया जाता है ग्राफ्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, ताकि उन्हें अच्छे से समझा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट इन सिंपल लैंग्वेज। इंटरप्रिटेशन के अंदर हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को दिखाते हैं,
ठीक है। तो जैसे कि वेरियस स्टेक होल्डर्स हो गए, जिसके अंदर मैनेजमेंट हो गया, आफ्टर एक्सपेंशन रिगार्डिंग ए प्रॉब्लम ऑफ रिजल्ट द मैनेजमेंट में टेक करेक्टिव एक्टिविटीज फॉर वैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरप्रेट करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑडिट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो टाइम टू टाइम चेक किया जाता है और उसे वेरीफाई किया जाता है ऑडिटर के थ्रू, ठीक है। और जो ऑडिटर होता है वो सर्टिफिकेट इशू करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ताकि ट्रू और फेयर रिजल्ट पर पहुंचा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेट एंड प्रिंट मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पर आज की डेट के अंदर देखा जाए तो इंटरनेट और प्रिंट मीडिया वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बताने में कि एक बिजनेस हो गया या एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो किस तरीके से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को किस तरीके से इम्पेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर इंटरनेट और प्रिंट मीडिया से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और अपने बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उसका यूज़ किया जाता है बेटर तरीके से डिसीजन लेने में। आई होप आपको स्कोप भी क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिफरेंस की साइड में। आप ये आपको डिफरेंस वाले पेज पर लेकर जाते हूँ। हम यहाँ डिफरेंस की बात करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंस है। चलिए फटाफट बात करते हैं, अप्रोच की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बैकवर्ड लुकिंग है, मतलब एक ट्रांजैक्शन जो पास्ट में हो गई है उसको रिकॉर्ड करना, डैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि यहाँ पास्ट से डाटा उठा के फ्यूचर के बारे में डिसीजन लिए जाते हैं। अब हम यूज़र्स की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूज़र्स कौन होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूज़र्स इनसाइडर्स होते हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गए, ऑनर्स हो गया। स्टैटिक की बात करें कि स्टैटिक है या डायनामिक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक स्टैटिक पिक्चर शो करती है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ की, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉन स्टैटिक व्यू शो करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यही रिपोर्टिंग का काम करेगा। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता, जैसी ज़रूरत होगी मैनेजर्स को वो उस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें परफॉर्मेंस का, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, जबकि अगर हम बात करें अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी सेगमेंट की, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में भी बता सकती है। नेक्स्ट हम बात करें क्राइटीरिया, जो क्राइटेरिया जनरली रखा जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इस तरीके से रखा जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का फेयर एंड ट्रू व्यू दे सके। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के में जो क्राइटेरिया रखा जाता है वो इस तरीके से रखा जाता है जो हेल्प कर सके मैनेजर्स को बेटर डिसीजन मेकिंग में। अगर हम बात करें कंपल्शन की, तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो कंपल्सरी होती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं होती, वो मैनेजमेंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉमनेस की, देखिए कोई अर्जेंसी नहीं होती रिपोर्टिंग की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जबकि अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, टाइमली डिसीजन लेने के लिए प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ज़रूरी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अगर हम बात करें रूल्स फ्रेमर, कौन रूल बनाता है, तो आउटसाइड बॉडीज़ रेगुलेट करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। जैसे इंडिया में बात करें तो ICAI रेगुलेट करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम को, जबकि अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट की अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो मैनेजमेंट फॉर्मुलेट करती है रूल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफ़िल कर सकें। नेक्स्ट हम बात करें कंटेंट नेचर की,
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉनेटरी नेचर, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जिसे हम मॉनेटरी फॉर्म में दिखा सकते हैं उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को भी, मतलब मॉनेटरी के साथ साथ नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को भी दिखा सकते हैं। अगर हम बात करें यूज़र्स की, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूज़र्स हैं वो लार्ज, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, डाइवर्स अलग अलग नेचर के होते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो यूज़र्स होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, स्मॉल होते हैं, मतलब मैनेजर्स ही होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रेगुलेशन की, तो फाइनेंशियल अकाउंट इंफॉर्मेशन जो हो गई वो कॉमर्शियलाइजेशन में हेल्प करती है। कैसे? जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ करती हैं अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। और अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर कोई सेट रूल्स प्रिंसिपल्स नहीं होते। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग की, तो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हें क्वार्टरली या ईयरली तो पक्का दिखाना ही दिखाना होता है। और अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फ्रिक्वेंसी की बात करें रिपोर्टिंग की, तो यहाँ पर कोई सेट रूल नहीं होता, जैसी रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग की जाती है। लास्ट में अगर हम बात करें प्रिसाइज ऑफ इंफॉर्मेशन की, प्रिसाइज होना ज़रूरी होता है या नहीं, तो अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ इंफॉर्मेशन एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होगी। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो जो इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे ना वो हमें अप्रोक्सीमेशन में मिलेंगे, एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो ये था डिफरेंस हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें कि कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशन थी जिसकी वजह से एमर्जेंस हुआ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन की वजह से, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिमिटेशन थी इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ, और उधर कॉस्ट अकाउंटिंग में लिमिटेशन थी इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जन्म हुआ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप ब्रॉडर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग से, और यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप नैरोर होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन होते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग डिसीजंस होते हैं इसमें। अब आ जाइए आप लिमिटेशन पर। लिमिटेशन देखिए क्या क्या लिमिटेशन है। पहले तो स्कोप ही बहुत बड़ा है, समझ नहीं आता कि एक टाइम पे हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या क्या यूज़ करना है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना इतना सब कुछ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में। नेक्स्ट एक एमर्जिंग एरिया, अभी ये फुल फ्लेज एरिया नहीं है, अभी एमर्जेंस हो रहा है, अभी पूरी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ भी नहीं कर रही है। नेक्स्ट चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए उसमें भी चेंज करना पड़ता है। और उसके अलावा अगर हम एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड देखें तो वो भी इतना ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं होता मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो टेक्निक मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है, दिस इज़ एन एक्सपेंसिव टेक्निक। आगे बात करें पर्सनल बायस, मतलब मैनेजमेंट को जैसा चाहिए वैसे यूज़ करती है, प्रॉपर कोई एक्यूरेस कोई बेसिक प्रिंसिपल रूल्स नहीं होते जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू मैनेजमेंट, ऑब्वियस है कि मैनेजमेंट की जगह तो नहीं ले सकता, बस मैनेजमेंट के लिए एक हेल्प का काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये थी कुछ लिमिटेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, आई होप क्लियर हुई होंगी। अब एक लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, डैट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन होता है और उसके क्या क्या काम होते हैं। अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बात करें तो जो बंदा जो पर्सन मैनेजमेंट के कंट्रोलर और या फिर बोल सकते हैं कंट्रोलर का काम करता है उसे हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट को दूसरा नाम दे देते हैं मैनेजमेंट कंट्रोलर या फिर कंट्रोलर।
ये सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का और हेड होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग टीम का। ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर इंफॉर्मेशन के कलेक्शन के लिए, ऑर्गेनाइज चाहे वो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इकट्ठी करनी हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से इकट्ठी करनी हो, उसके बाद उसको एनालाइज करने में, कलेक्ट करने के बाद और उसके बाद एक रिजल्ट पर पहुंचने में जो हेल्प करता है वो पर्सन कौन होगा? मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा। अब अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट के, तो अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो जो फंक्शन होंगे ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वही इसके फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डाटा को कलेक्ट करना, फिर डाटा को ट्रांसक्राइब करना, मतलब जैसा उसे चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसे ढालना, उसको वो रूप देना, फिर डाटा को एनालाइज करना, डाटा को इंटरप्रेट करना, एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट्स बनाना, रिपोर्ट को शेयर करना किसके साथ? टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। तो ये था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। इसके साथ ही हमारी फर्स्ट यूनिट यहीं पर ख़त्म होती है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।